सो हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं हिमगिरी टाटा। टाटा के कार्स बेस्ट प्राइस पे लेने के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हमारे सामने टाटा हैरियर, हैरियर 6 वेरियंट्स में अवेलेबल है, जो कि है XE, XM, XT, XT प्लस, XZ एंड XZ प्लस। डार्क एडिशन सिर्फ XT प्लस एंड XZ प्लस में ऑफर किया जाता है और ड्यूअल टोन का ऑप्शन आपको XZ प्लस में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैरियर का टॉप एंड वेरियंट XZ प्लस ऑटोमेटिक विद डार्क एडिशन। XZ प्लस ऑटोमेटिक डार्क एडिशन का डेली में एक्शन प्राइस 21.34 लाख रुपीज और इसका डेली में ऑन रोड प्राइस 25.4 लाख रुपीज। सो वो कदम स्टार्ट करते हैं कीज से। स्मार्ट कीज मिल जाएंगे आपको टॉप एंड वेरियंट में। यहाँ पे कीज के ऊपर आपको मिल जाएंगे लॉक, अनलॉक, बूट अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैंप्स के बटन। ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है स्मार्ट कीज। एंड अब हैरियर के फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर लुकिंग मिल जाती है हैरियर। एस्पेशली डार्क एडिशन में तो और भी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है हैरियर। गाड़ी पे ऑलमोस्ट हर एक प्लेस पे डार्क फिनिश दी गई है। फ्रंट एंड में आपको ग्लोज ब्लैक ग्रिल मिल जाती है एंड ग्रिल के नीचे एक ग्लोज ब्लैक स्ट्रिप भी दी गई है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो इन क्रोम फिनिश। एंड सेकंड ग्रिल आपको हनीकॉम डिज़ाइन में मिल जाती है। ऑल्सो फ्रंट बम्पर भी काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन दिया गया। बम्पर के नीचे आपको ब्लैक कलर स्किट प्लेट मिल जाएगी। एंड अब हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स आपको प्रोजेक्टर एज वेल एज रिफ्लेक्टर भी दी गई है। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया गया एंड हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर मिल जाता है। हैलोजन बल्ब का सेटअप दिया गया पूरी हेडलैम्प यूनिट में। हेडलाइट्स के नीचे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। ऑल्सो हेडलाइट्स के अराउंड भी आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे LED बेस्ड DRS विच विल ऑल्सो वर्क एज टर्न इंडिकेटर्स। ऑल्सो DRS के नीचे भी आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ टाटा हैरियर। साइड प्रोफाइल से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुकिंग मिल जाती है हैरियर और डार्क एडिशन तो और भी ज़्यादा हैवी लुकिंग लगता है। एंड अब व्हील्स की बात करें तो व्हील्स में आपको अलॉय व्हील्स दिए गए। ऑल्सो डार्क एडिशन में आपको अलॉय व्हील्स भी ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। व्हील्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे 235/65 R17 के टायर्स। साइड प्रोफाइल में आपको काफ़ी बड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं। ऑल्सो साइड प्रोफाइल में आपको साइड क्लैडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको डार्क एडिशन की बैजिंग मिल जाती है। एंड टर्न इंडिकेटर ORMs पे दिए गए। ORMs एंड डोर हैंडल्स आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाएंगे। एंड रूफ के ऊपर आपको मिल जाएंगे शार्क फिन एंटीना और काफ़ी बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ भी दी गई है। एंड अब बैक प्रोफाइल की बात की जाए बैक प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसे लुक मिल जाएंगे। काफ़ी मस्कुलर एंड हैवी लुक से तो मिल जाती है हैरियर। एंड अब टेल लाइट्स की बात करें टेल लाइट्स आपको LED बेस दी गई हैं। हैरियर में आपको सिंगल ट्यूब LED का डिज़ाइन मिल जाता है एंड स्प्लिट टाइप दी गई है टेल लाइट्स। बट यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और स्पार्किंग लाइट रिफ्लेक्टर भी दी गई है। एंड यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे आपको रियर फॉग लैंप्स और रिफ्लेक्टर्स बम्पर भी दिए गए हैं। और रिफ्लेक्टर्स के नीचे आपको मिल जाएगी फेक एग्जॉस्ट टिप्स। ऑल्सो रियर बम्पर के नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी। एंड रियर बम्पर के ऊपर आपको 2D स्पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे डार्क हैरियर की बैजिंग एंड यहाँ पे टाटा का लोगो और रियर विंडशील्ड पर वाइपर एंड डिफोकर मिल जाएंगे। एंड हाई स्टॉप लैंप आपको स्पॉइलर पे मिल जाएगा। सो चलिए अब देख लेते हैं हैरियर की बूट। नाउ बूट स्पेस 425 लीटर्स। ऑल्सो बूट में आपको पार्सल ट्रे भी दी गई है। एंड बूट की राइट साइड आपको एक लगेज लैंप मिल जाएगा। ऑल्सो बूट में आपको हुक्स भी दिए गए। एंड इस ट्रे के नीचे आपको टो स्टोरेज दी गई है। एंड जैक एंड टूल किट यहाँ पे प्लेस्ड है। ऑल्सो पंक्चर रिपेयर किट भी मिल जाती है आपको हैरियर में। स्पेयर व्हील की बात करें स्पेयर व्हील अंडर बॉडी दिया गया 16 इंचज का मिलता है स्पेयर व्हील। बूट डोर के ऊपर आपको लाइनिंग मिल जाती है और यहाँ पे बूट क्लोज करने के लिए ग्रैब हैंडल भी दिया गया। सो चलिए अब देख लेते हैं डार्क एडिशन का इंटीरियर। ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको डार्क एडिशन में। एंड अब डोर पर देखकर कंट्रोल्स की बात करें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पावर विंडोज के कंट्रोल। ऑल पावर विंडोज मिल जाती है आपको टॉप एंड वेरिएंट में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चाइल्ड लॉक बटन। एंड डोर हैंडल्स क्रोम में दिए गए और डोर के ऊपर आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी। बट डोर पैनल्स हार्ड प्लास्टिक में दिए गए। ऑल्सो डोर ग्रैब हैंडल भी आपको लेदर फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश भी मिल जाएगी। एंड ORMs के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ORMs इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने जाते हैं। ऑल्सो ORMs में ऑटो फोल्ड का फंक्शन भी दिया गया और नीचे मिल जाएंगे आपको बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स और यहाँ पे स्पीकर दिया गया। ऑल्सो डोर के ऊपर स्टॉप लाइट भी मिल जाती है। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया हैरियर में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पुश इग्निशन बटन, इल्यूमिनेटेड एंड क्रोम सराउंडेड मिलता है पुश इग्निशन बटन। AC वेंट्स के ऊपर आपको डार्क क्रोम फिनिश मिल जाएगी। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको हैरियर में लेदर अब स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ऑल्सो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और अब स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों टाइप एडजस्टेबल मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स और राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स दिए गए। एंड अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको हाफ डिजिटल एंड हाफ एनालॉग डिजाइन में दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्पीडोमीटर एनालॉग दिया गया और डिजिटल पार्ट शो करता है टैकोमीटर
ड्राइविंग मोड्स, टाइम, कूलेंट टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, ओडोमीटर, फ्यूल गोज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप्स, एवरेज, पावर एंड टॉर्क, और यहाँ पे सेटिंग्स दी गई हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड आपको काफ़ी ब्यूटीफुल क्रोम फिनिश मिल जाती है। स्टेयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर मिल जाएगा आपको टॉप एंड वेरियन में, और राइट साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। टॉप एंड वेरियन में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी दिया गया। और अब इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको 8.8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, रेडियो, यूएसबी एंड ऑक्स, और स्मार्ट कनेक्टिविटी में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। गाड़ी में आपको टोटल 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं कंसिस्टिंग 4 ट्विटर्स एंड अ सबवूफर। JBL की तरफ से मिलता है आपको साउंड सिस्टम, ऑल्सो फिजिकल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आपको इंफोटेनमेंट के साथ। डार्क एडिशन में कंट्रोल्स के ऊपर भी ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ऑल्सो इंफोटेनमेंट के अराउंड भी ग्लोज ब्लैक फिनिश दी गई है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फॉग लैंप्स के कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर दोनों एंड्स पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे हज़ार्ड लैंप बटन दिया गया है। ये बटन्स आपको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड के लिए मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको हेरियर में। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया, और फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको बटन्स मिल जाते हैं, और नीचे आपको मिल जाएंगे USB एंड ऑक्स। ऑल्सो फोन रखने के लिए यहाँ पे छोटा सा कंपार्टमेंट भी दिया गया, और इस डायल से मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल 3 मोड्स मिल जाते हैं आपको हेरियर में, नॉर्मल, वेट एंड रफ मोड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है। और अब ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको हेरियर में ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ ऑफर की जाती है हेरियर। ऑल्सो हेरियर में मैनुअल का भी ऑप्शन है। गियर नॉब के ऊपर आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश एंड ट्राइडो डिज़ाइन दिया गया है, ऑल्सो लेदर मिल जाता है गियर नॉब। सो चलिए अब देख लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी। नॉर्मल क्वालिटी मिल जाती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की, एडेप्टिव गाइडलाइंस का दिया गया रिवर्स पार्किंग कैमरा। सेंटर कंसोल के ऊपर आपको ग्लोज ब्लैक एंड क्रोम फिनिश मिल जाएगी, और जेट इंस्पायर्ड मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है, ग्लोज ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है हैंड ब्रेक। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स एंड एक बोतल होल्डर दिया गया है। ऑल्सो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया है, लेदर दैट मिल जाता है आर्मरेस्ट। एंड स्टोरेज के अंदर आपको मिल जाएंगे 12V सॉकेट और 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स, ऑल्सो कूल्ड मिल जाती है स्टोरेज। टॉप एंड वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IR रिम दिया गया है। एंड फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे 3 रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे, LED बेस्ड मिल जाते हैं रीडिंग लैंप्स। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सनरूफ के कंट्रोल्स, मैसिव साइज की पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है आपको हेरियर में। टिल्ट, शेड एंड सनरूफ को ओपन एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पे सेपरेट कंट्रोल्स दिए गए, 1 टच ओपन एंड क्लोज फीचर मिल जाते हैं सनरूफ। कोड ड्राइवर साइड वैनिटी में दिया गया है विद डेडिकेटेड लाइट्स। एंड सनवाइजर इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को काफ़ी अच्छे से ब्लॉक कर लेता है सनवाइजर, बट ड्राइवर साइड वैनिटी में नहीं दिया गया। और अब ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज का मिल जाता है ग्लव बॉक्स। ऑल्सो ग्लव बॉक्स कूल्ड एंड इल्यूमिनेटेड दिया गया, और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट ट्रे भी दी गई है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। एंड डैशबोर्ड के मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया। फ्रंट सीट्स के एडजस्ट एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर सीट 8-way एंड को ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल दी गई है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती है ड्राइवर सीट, एंड लेदर अपहोल्स्टरी दी गई है। सो चलिए अब देख लेते हैं सीट कंफर्ट। एंड अब रियर डोर के एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, डोर ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे, और नीचे आपको मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स, एंड यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं हैरियर का कैबिन स्पेस। मैसिव अमाउंट ऑफ कैबिन स्पेस मिल जाता है आपको हैरियर में। ड्राइवर सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 5'10". ऑल्सो फ्रंट सीट्स के पीछे आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए छोटी स्टोरेज मिल जाती है। ऑल्सो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स भी दिए गए। रूफ में आपको सॉफ्ट फोल्डेबल ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं विद अ कोट हुक, और यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए रीडिंग रैम दिया गया है। ऑल्सो रियर सीट्स के हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है। रियर सीट्स आपको 60-volt डिस्प्लेट मिल जाती हैं। एंड रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स। सो चलिए अब देख लेते हैं हैरियर का इंजन पे। सो द इंजन ऑफ फोर्ड टाटा हैरियर इज 2 liter 4-cylinder टर्बो डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 168 bhp एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 Nm। बोनट इज इंसुलेटेड। और अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाएंगे 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, रोल ओवर मिटिगेशन, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑफ रोड ABS, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, एंटी थर्ड डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ISOIQ चाय सीट माउंट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट एंड अदर बेसिक फीचर्स। सो वीडियो चलेगी तो लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।